चलो 19.1 19.2 उधर टोटल कै फॉर्मूला पढ़ा था बता दो 22। इस चैप्टर में कोई फॉर्मूला का काम नहीं है। ये का देखो, इस फॉर्मूला में सिर्फ हम एक कॉन्सेप्ट ही जानेंगे, यानी इस क्वेश्चन अगर इस चैप्टर में जितना कम जाना है ना क्वेश्चन, इससे पिछला चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चन था इसके तुलना में, इसमें क्या हुआ 25 को है, लेकिन जितना दिन उसमें नहीं लगा उससे कई गुना इसमें ज्यादा दिन लगेगा। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर जो 19.2 से बहुत तेजी है, अगर हम इसमें चार क्वेश्चन बना देते हैं तो तुम लोग चाहेगा तो पूरा लेसन खत्म कर देगा, क्योंकि दुद्दू बोर्ड का तो क्वेश्चन का बनता है खाली लंबा लंबा कुछ नहीं। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि पढ़ रहे इंटीग्रेशन और यूज हमें करना रहेगा डिफरेंशिएशन का भी, तो दोनों साथ साथ यूज करेंगे तब जाकर के चैप्टर हम सीख पाएंगे। साथ साथ क्या है कॉन्सेप्ट क्या है इसका, जो देखो कह देगा कोई संख्या दे देगा, जैसे बोर्ड दे एक्स प्लस बी है ना, और अंदर में देगा एक रूट में एक्स प्लस बी, यानी इसमें साथे साथे चलेगा एक रूट और एक छुछे रहेगा, यानी बिना रूट वाला। देखो एक रूट है और एक रूट बिना रूट का, तो याद रखना इसमें हर हाल में तुम्हारा टारगेट रहेगा कि रूट को हटाना है और कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, रूट को हटाना है और कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, उधर फॉर्मूला का यूज करते थे। इसमें तुम्हारा कॉन्सेप्ट रहेगा जो रूट के अंदर है उसको मान लेंगे, क्या करेंगे यानी माना कि जेड बराबर जो रूट के अंदर रहेगा उतना की माना कि जेड बराबर क्या कर लेंगे एक्स प्लस बी, रूट के अंदर जितना वर्ड दिखे सबको क्या मान लेना जेड। जब तुम जेड मान लिया और तुम्हें इंटीग्रेशन करने देगा किसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में, और तुम्हारा टारगेट रहेगा कि जो फंक्शन एक्स जा रहा है इसमें किसका फंक्शन है, अब पूरा तुम्हें बना देना है इसमें जेड का फंक्शन, किसका बनाना है जेड का। तो जेड का फंक्शन बनेगा कैसे बोलो, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, अब फंक्शन को जब चेंज करेगा जेड के तो रिस्पेक्ट भी करना है किसके रिस्पेक्ट में जेड, यानी डीएक्स को भी बना देना है किसमें डीजेड में, तो यानी इतना याद रखना जो रूट के अंदर रहेगा उसको क्या मान लेंगे जेड, और जेड मानने के बाद इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या करेंगे तो पता फंक्शन किसका है तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी डी डब्ल्यू आर की बोलो जेड का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में डीजेड वाई, और एक्स का डिफरेंशिएशन बोलो एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, कैसे समझ में आया है। अब एक्स का एक कैसे हो गया क्योंकि इस पर पावर कुछ नहीं, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है डिफरेंशिएशन में क्या होता है बताओ, पावर को गुणा करते हैं पावर में एक घटाते हैं डिफरेंशिएशन में, तो घटेगा तो क्या आएगा एक्स पर पावर जीरो का मान गुणा करेंगे अभी का काम खत्म, तो यानी डीजेड बराबर क्या किया डीजेड बटा डीएक्स बराबर क्या किया, तो यानी हर हाल में तुम्हें क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। ऐसे कितना हो हम भूखते रह जाएंगे तुम नहीं समझेगा जब तक ये वो क्वेश्चन बढ़िया से नहीं देखेंगे। इसका क्वेश्चन देख लेना पहला क्या है क्वेश्चन बताओ तो जरा, क्या है बोलो एक्स प्लस टू रूट थ्री एक्स प्लस। देखो बोले भी है एक ऐसे ही रहेगा एक क्या चीज में रहेगा रूट में, हमने बोला कि रूट मतलब तो क्या मान लेना है जेड बराबर, तो यानी लिख देंगे रूट लिखो या जेड लिखो, यानी जेड बराबर थ्री एक्स प्लस क्या चीज, यानी इसके जगह हम क्या रख रहे हैं जेड, जब जेड बराबर मान लिए तो इसका हम क्या करेंगे पहले डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में बोलो डी जेड बटा डी एक्स बराबर बोलो इसका डिफरेंशिएशन, और पांच का लिखे भी छोड़ दे तो तुम्हें बता डी जेड बराबर क्या गया थ्री डी एक्स, यानी भागा में उधर क्या हो गया एनी प्रॉब्लम, यानी जी डी जेड बराबर थ्री डी एक्स। अब ध्यान से देखो जरा ये गुणा में है ना इसमें है, तो ये इधर आएगा तो क्या चीज में होगा भागा में, तो डी एक्स बराबर क्या गया अरे डी जेड बटा थ्री कितना बराबर आ गया डी एक्स बराबर, कैसे आया समझ में आया क्योंकि गुणा में इधर क्या हो जाएगा भागा में। अब आ जाओ देखो नाव, नाव क्या बोलो एक्स प्लस टू बराबर ये तो लिख देंगे लेकिन इसका जगह भी छोड़ दो, इसका मान तुम कितना माना था जेड
ये बच्चा जेड लिख दे और डीएक्स बराबर क्या लाया डीजेड बटा थ्री एनी प्रॉब्लम अब तुम ध्यान से देखेगा एक्स प्लस क्या है एक्स प्लस क्या है टू जरा यहाँ से बताना कहीं से इसके बगल में ही लिख लेना है अगला लाइन का इसको बाद में उतारना यानी अगला लाइन लिखना वहां इसको में यहाँ लिख लेते हैं तो बताओ तो जरा ये प्लस इधर आएगा क्या होगा यानी जेड माइनस अब बराबर क्या चाहिए एक्स गुणा में इधर आएगा क्या होगा तो जेड माइनस फाइव बटा थ्री बराबर क्या चाहिए तो बोलो एक्स का मान कितना गया जेड माइनस पांच बटा जेड है तू नहीं समझना तो बताओ बाबू यहाँ लिखा हुआ एक्स तो एक्स का मान बोलो क्या लिखेंगे बटा थ्री अब प्लस में क्या है एनी प्रॉब्लम बता फंक्शन किसका था एक्स का फंक्शन किसका हो गया जेड का अरे समझ में ना तो जरा देखो तो ये क्या हो गया एलसीएम तीन जेड माइनस पांच प्लस छ इंटू अच्छा इसका मतलब आप होता है आप बताओ तीन अंकिया नौ नौ क्या हो गया बाहर ये बताओ कितना होगा प्लस वन होगा जेड पर पावर क्या होगा हाँ देख ले बोलो वन बटा नाइन इसको हम गुणा कर लेंगे ये इसके साथ जेड इंटू जेड पर पावर हाँ अब वन इंटू जेड पर पावर हाँ देख ले अब तुम्हें लोग बताओ ये क्या हो गया ये आधार सेम तो गुना में पावर तब बताओ जेड पर पावर कितना होगा थ्री बटा आठ अब ये बताओ जेड पर पावर क्या है हाँ यानी हो गया क्या जेड अब बताओ ऑन इंटीग्रेशन अच्छा किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा जेड के रिस्पेक्ट में होगा यानी वन बटा क्या चाहिए नाइन बोलो इंटीग्रेशन में एक जोड़ते जितना है उससे भागा देंगे तो जोड़ो तो कितना हो जाएगा पांच बटा दो पांच बटा दो से क्या पड़ेगा प्लस इसमें जोड़ो एक कितना जाएगा तीन बटा दो तीन बटा दो प्लस क्या चाहिए सी तो वन बटा नाइन बोलो तू कहाँ चल जाएगा जेड पर पावर पांच बटा दो प्लस तू कहाँ चले जाएगा जेड तीन पर पावर दो प्रॉब्लम प्लस ये आंसर नहीं हुआ आंसर ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमें इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में करने दे रहा लेकिन तू क्या चीज में लाया है जेड के रिस्पेक्ट में तो बता जेड का मान तो निकाल रखा है ना बोलो जेड का मान कितना निकाल रखा है देखो तो हाँ अब खाली रख देंगे थ्री एक्स प्लस फाइव बराबर पांच बटा दो फिर बोलो दो बटा थ्री क्या हो गया ये थ्री एक्स प्लस फाइव पांच बटा सॉरी थ्री बटा दो प्लस क्या चीज ये क्या हो गया कॉन्सेप्ट यही है इसका कि रूट के अंदर जो रहेगा उसे जेड बराबर मान लेंगे उसके बाद उसका क्या करेंगे डिफरेंशिएशन यहाँ से हमें किसका मान मिलेगा डीएक्स का उसी तरह से जेड बराबर जब इतना माने तो यहाँ से एक्स का मान निकालना नहीं आएगा यानी इधर जाएगा माइनस में गुना में क्या हो गया भागा तो जरूरत हमें सिर्फ इसका और किसका पड़ेगा इसका इसके बाद इधर जब रख देंगे इंटीग्रेशन करेंगे खुद ब खुद चलाएगा अभी नहीं सिखाते हैं आगे दो तीन बार पहले बना लेते उसके बाद सिखाएंगे अपने आप सीख जाएगा है ना तो पहले कैलकुलेशन करना सीखो बाकी जोड़ घटाव आगे अपने ही कर लेगा चलो तो अगला क्वेश्चन जरा देखा जाए बोलो एक में और एक सेकंड क्वेश्चन है बोलो एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन तो बताओ हम तुम लोग को क्या बोलेंगे रूट वाला को मान लेना है यानी पुट कर लेंगे बोलो क्या हो जाएगा पुट जेड बराबर एक्स प्लस जैसी पुट किए क्या कर देंगे फिर पहले निकाल दें पहले मान निकाल दें तो जेड माइनस वन बराबर क्या चाहिए डिफरेंशिएशन इसका करना है ना तो बोलो डी डब्ल्यू आर टी देखो यहाँ पर चीज नहीं लिखो यहाँ पे बोलो जेड माइनस वन बराबर क्या चीज है एक्स का मान कितना दिया जेड माइनस वन इसको डिफरेंशिएशन करो डी डब्ल्यू आर टी बोलो डी जेड बटा डी एक्स का डिफरेंशिएशन एक और इसका क्या चीज
तो तुम लोग बताओ डीजेड बटा डी एक्स बराबर क्या हो गया एक। तो बताओ डीजेड बराबर क्या हो गया डी एक्स। तो दोनों चीज का मान निकल गया डी एक्स का मान डीजेड और एक्स का मान जेड माइनस वन। अब आ जाओ क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन तुम्हारा ये है, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। बोलो x बराबर कितना है z माइनस वन, और पहले इधर एक माइनस है ना, कितना बराबर z मान है यानी z रूट में होगा, और x का dx का मान कितना है dz हो गया। तो ये हो गया z माइनस माइनस प्लस, तो z माइनस टू और z पर पावर क्या जी हाँ dz। अब बोलो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो z इंटू z पर पावर हाफ माइनस टू इंटू जेड पर पावर हाफ, ये क्या हो जाएगा डी जेड। बताओ आधार सेम तो गुना में पावर जोड़ता है, तो थ्री बाई टू माइनस टू जेड पर पावर कितना हाफ डी जेड। अब बताओ ऑन इंटीग्रेशन कर लेंगे तो ऑन इंटीग्रेशन बोलो एक जुटेगा तो जेड पर पावर ये क्या हो जाएगा पांच बटा दो। उसी तरह से जितना चाहेगा उसे भागा पड़ता है कि नहीं, टू जेड पर पावर थ्री बटा टू थ्री बटा टू प्लस क्या चीज उलाट के लिख लो टू बटा फाइव जेड पर पावर फाइव बटे टू चल जाएगा ऊपर तो चार बटा थ्री प्लस ये है ना। अब बोलो जेड का मान धर देंगे तो टू बटे पांच जेड का मान कितना है एक्स प्लस वन है रे, क्या बोलो कोई दिक्कत है तो जेड का मान एक्स प्लस वन पर पावर कितना फाइव बटे टू है ना माइनस चार बटा तीन यहाँ पर भी जेड है तो जेड का मान धर लेंगे एक्स प्लस वन पर पावर कितना थ्री बटा टू और प्लस क्या चीज नहीं समझ में आएगा तो बोलना अपने में नहीं चुगली करते रहना समझ में नहीं आएगा फिर नोट करो। इसमें कोई फॉर्मूला लगाना पड़ता है प्रकृति का नहीं, ओनली कंसेप्ट समझना। कंसेप्ट क्या है रूट के अंदर जो रहेगा उसे मान लेंगे जेड बराबर, उसके बाद उसको क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे फंक्शन अपने आप चेंज हो जाएगा। बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स प्लस टू रूट टू एक्स प्लस वन डी एक्स, बता कितना बराबर जेड मानेंगे काम को थोड़ा साफ करके आओ समझा रहा चार बार इंसान बोलते रहेगा एक बार मैंने समझ लिया बोलो जेड बराबर क्या टू एक्स प्लस बार मान लिए यानी पुट कर दिए। बोलो यहाँ से एक्स का मान बता दो जवानी क्या जाएगा प्लस में जाएगा जेड माइनस वन ये गुना में तो क्या जाएगा कितना बराबर आया काम खत्म। अब बोलो डी डब्ल्यू आर टी एस डी जेड बटा डी एक्स बराबर बोलो क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन टू इसका जीरो तो ये हो गया डी जेड बटा डी एक्स बराबर जीरो करने से आएगा। बोलो इधर चल जाएगा डी जेड बराबर डी एक्स गुणे टू गुना में इधर क्या हो जाएगा डी जेड बटा टू बराबर क्या चाहिए हमें डी एक्स का मान निकालना है निकल गया चलो नाउ बोलो एक्स का मान कितना है बोलो इसका मान कितना माना देखो ध्यान से समझेगा पारी पारी से कितना बराबर जेड माना हमने रूट में जेड रख दिया और डी एक्स का मान कितना लाया डी एक्स का मान कितना है डी जेड बटा टू बोलो टू और टू दो चार पार हो गया यहाँ जेड माइनस वन आई जेड पर पावर क्या हो जाएगा हाफ डी जेड। बोलो दोनों में गुणा कर लेंगे तो जेड इंटू जेड पर पावर वन इंटू जेड पर पावर हाफ डी जेड। अब थोड़ा बढ़िया से लिखना कौन जेड है कौन हाफ है नहीं तो बोलो दूसरा चीज पुट करते हैं हाँ देखो प्लस टू छूट गया इतना देरी के बाद समझ में आया उसको बोल रहे तो सुन रहे
x का मान कितना है? z माइनस 1 बटे 2। अब प्लस में क्या जे? तो इतना को माने z, तो z और dx बराबर क्या आया? dz बटा 2। एलसीएम ले लो इधर, 2 z माइनस 1 और प्लस में कितना? 4। ये हो गया z पर पावर क्या जे? हाँ, और dz बटा क्या जे? तो दो दो तीन चार, क्या हो गया? यहाँ बताओ जेड प्लस क्या चीज? थ्री। और जेड पर पावर हाफ दीजिए, गुना कर लो 1/4। ये जेड इंटू जेड पर पावर आने समझ में, प्लस थ्री इंटू जेड पर पावर हाफ, क्या हो गया? डीजेड। अरे गुना दोनों में की है, 1/4 आधार से गुना में पावर जुटेगा तो 1/2 कितना जाएगा? 3/2। ये बोलो कितना आएगा? z पर पावर हाफ dz, क्या लिखा जाएगा? ऑन इंटीग्रेशन। बताओ एक जुटेगा इसमें कितना आएगा? 5/2, 5/2 प्लस इसमें एक जुटेगा कितना आएगा? 3/2, 3/2 अतीने आया ना पहले से, प्लस का चीज इसको घुमा के लिख देंगे ऊपर चल जाएगा 2/5, 5/2 ये ऊपर चल जाएगा, 3 से 3 काट दे ऊपर जाएगा 2 जेड पर पावर 3/2 प्लस का चीज। आंसर ही नहीं मानना, जेड का मान पहले रख देना। तो बोलो जेड का मान कितना है? तो 1/4, 2/5, 2x प्लस 1 पर पावर 5/2 प्लस 2, 2x प्लस 1 पर पावर 3/2 प्लस क्या चीज? कोई दिक्कत है? आप देखो अच्छा विद्यार्थी इसको आगे बनाता है, क्योंकि 2% बता दिए हैं, अब थोड़ा इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, नहीं तो आंसर नहीं मान देना। आगे कोशिश करना बनाने का, बनाने का क्या कोशिश बताओ? तो दोनों में क्या कॉमन हो सकता है? 2 भी कॉमन है और 2x प्लस 1 पर पावर 3/2 कॉमन है। देखो ना 3/2 5/2 तो कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बचा? 1/5, इतना में 3/2 चल गया, कितना बचा होगा? ये वो बचा होगा कि नहीं? अरे इतना में 5/2 में 3/2 कॉमन ले लिए, तो ये वो बचा होगा कि नहीं? कैसे? फिर दोनों को तुम गुना करो, क्या करो? गुना। तो देखो तो 2x प्लस 1 पर पावर 3/2 और 2x प्लस 1 इसके ऊपर कुछ नहीं तो कितना? आधार से हम गुना में पावर जुटेगा, तो बोलो पावर को जोड़ो 5/2 होता है। ये कॉमन लिए जो समझ में आया, यहाँ क्या बचा बताओ? कुछ ना, छुच्छे एक बचा, बचा कि नहीं? अब प्लस क्या चीज थी? अच्छा कॉमन लेने का मन रहेगा लेके लिखना, नहीं मन रहेगा नहीं लिखना, हो गया। अच्छा ठीक, दूसरा चीज को जो को जो कर लेते हैं, जिम के जगह टी लिख देते हो क्या? बोला था इसलिए खराब है ना कि दो और जेड कैसा हो जाता है, यही बात है ना? रे तो बात चलो देखो, अगला बताओ एक्स ऐसे यही है ना, कोई दिक्कत नहीं। हम अभी कूट क्या चीज लिख रहे थे? जेड बराबर कुछ भी भाई लिखते हैं, भाई बराबर एक्स प्लस भाई, अच्छा नहीं लगता, अब अच्छा लगा कि ना? मतलब किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है? एक्स के रिस्पेक्ट में, डी डब्ल्यू आर टी एक्स जो फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में ना, तो बोलो इसको क्या लिखेंगे? डी टी बटा डी एक्स, क्या हो जाएगा? 2। अब बोलो गुना में भागा में तो क्या हो जाएगा? डी टी बटे 2 बराबर क्या चाहिए? डी ए। ये कैसे लाए सबको पहले समझ में आया? वाह, अब यहां से बता दो एक्स का मान क्या होगा? देखो हॉकी सबका फल मोड़ खराब है, ये बोला इधर जाएगा तो टी माइनस 1 गुना में भागा, सब सब कैसे सब मर्स बनेगी जीवी से भक्ति और थका थका। चलो तो यानी कि टी माइनस 2/x हो गया 9।
अब बोलो x बराबर कितना लिखेंगे? x बराबर e माइनस वन बटे दो। अब कुछ है? अब इतना बराबर क्या माना है? t माना है ना। और dx का मान t में बोलो डाला दिया, dt बटा दो, काम खत्म। दूनी t माइनस वन और t पर पावर dt बटा दो वन बटे फोर गुना करेंगे इंटू टी पर पावर। अब इतना भी जेड जाना माइनस वन इंटू टी पर पावर डी। आपने कहा कि जेड नहीं टी कर दीजिए तो ये कितना होगा? ये तीन बटे दो होगा माइनस टी पर पावर। अब बहुत से विद्यार्थी कभी तक की नहीं समझ में आता कि तीन बटा दो कैसे हो गया। आधार से एक गुना में पावर पावर क्या होगा छुट्टी और वन बाई फोर। बोलो क्या होगा ये एक जुटेगा तो टी पर पावर पांच बटा दो। अभी पांच बटा दो कैसे हो गया कैसे हो गया समझ में? इंटीग्रेशन में जुटता है, जो जुट जाएगा उससे क्या होगा? माइनस एक जुटेगा टी पर पावर तीन बटे तीन बटे तो प्लस क्या चीज से काम खत्म। और खाली सीधा करके टी का मान रख देना। देखो ये दो कहाँ चले आएगा? तो दो बटे पांच टी पर पावर पांच बटे दो माइनस तीन बटे दो बटे तीन दो बटे तीन टी पर पावर तीन बटे दो प्लस क्या चीज से वन बटे फोर दो बटे पांच टी का मान बताओ। टी का मान टू एक्स प्लस वन टू एक्स प्लस वन पर पावर कितना? दो बटे थ्री टी का मान टू एक्स प्लस वन पर पावर थ्री बटे टू प्लस क्या चीज से मन है कॉमन लेना नहीं मना है नहीं मने मने करो हम तो तुमको एक ही बात बोलते हैं कुछ भी हो उसे फील ही नहीं करो बस। बताओ अब जो गलती से वीडियो देखे रहा मेरा मास्टर पागल ही है। शुरू में टी जेड मान रहा था अब डी कर देना। तुम लोग समझदार हो ना कि पागल बनाने का हक किसका है? क्वेश्चन बताने चार। अब बताओ अगर किताब तुम लोग देखिएगा ना तो उम्मीद करते हैं कि चैप्टर खत्म हो गया। अब कहेंगे ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसे ऐसे हाँ पूरा नहीं खत्म होगा 19.3 तुम लोग जानते हैं बनाएगा ना इसको तो प्रश्न संख्या यानी कुल 23 तक बना लेगा 23 नहीं 22 तक एक ही 22 तक हाँ जितना तक रूट दिख रहा है रूट उतना तक चाहेगा तो बना लेगा 22 तक और है टोटल कई गो 25 गो। तुमने बोले थे कि ये चैप्टर में क्वेश्चन बनेगा लॉन्ग लॉन्ग लेकिन उससे बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा बस इतने तुम्हारा साथ चाहिए। हम चार तक बना लिए घर में तुम लोग जाके 12 तक जरूर बना के ला कोई बात नहीं रूट नहीं है 5 नहीं बनाना बाकी सब में रूट है ना यानी सब बनाना तो प्रश्न संख्या 12 तक बन जाएगा। छूट नहीं गया होगा सही है आने से समझ में तो 12 तक बना लेना बापू। हम आते के साथ क्वेश्चन को 5 बताएंगे उसके बाद 13 से लग जाएंगे तुम्हारा काम है कल इसको खत्म कर देंगे। क्या दिक्कत है? चलो तो चाहे